पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा अमर रहे, अमर रहे। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा अमर रहे, अमर रहे। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा अमर रहे, अमर रहे। सबन को के जोहार। तेहेन अब डॉक्टर रामदयाल मुंडा तक जन्मदिन तो आनी हजना रांची मरावदी तो एला को अखिना जन्मदिन मानती हबाँ जो लेल संगे परचय थोड़ा बता दीजिए। मेरा घर हुआ टाडी सिल्व है, सिल्वे पंचायत का पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे। आज रामदयाल मुंडा जी का कार्यक्रम में Thank you.
अलिया डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा पूर्व कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची तिसिंग मेरे डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जन्मदिन रे अवसर रे मेरे पार्क ले जमा करना डॉक्टर रामदयाल मुंडा नी बुद्धिजीवी तई करना इनका के समाज सेवा नतीन बहुत तत्पर है तकना समाज सेवा रामदयाल तक इना तक समय समय रे अपन हाथों से गेहूं के मन को उकुल जाता अमेरिका तेन ताकि अब अड़क मन को आयर तक रखा का बोगी लेकर को खेती का इनका के झारखंड दिसम रे जे के संस्कृति नरे मेना तो संस्कृति चिलकते बचाव का मेनिया रे काफी प्रयास तकना क्या चीज लगभग पंचरी डॉक्टर रामदयाल मुंडा 1963 रे इनी शिकागो सनकना और एंड के लिंग्विस्टिक एम ए के था इनके थे फिर पी एच डी के था इनके थे फिर एंड प्रोफेसर बाजना दो आया उद्देश्य तय करना ची एंड ताइन काम जाए करना एंड आया अपन कल्चरल टीम में बैले था अलग अलग देश रेन हो लो मिलाओ कहते सुसून दुरांग ऋतु बनाव एमान या तो जादूर गेना भादर एमान इन को जो तो इतने को तो आया विचार तक अब भारत देशम अलका कल्चर अलका छपा मेन लगे सब तक इनका है जे तेना और हिनी हिजू नाम दोनों संजोग अच्छा तेना चीफ डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह इन्हें नेरे कमिश्नर तेना और वाइस चांसलर कुछ दिन खातिर तेना आया पहल तगे बारन की नापा सकिन जबकार देना और नेते एजे प्रोफेसर नेते राकिया आ नेरे तंजना तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जे मैंने रांची जो कहते झारखंड जो कहते कल्चरल दिशा रे पूरा एक्टिविटी ओडो से सीधा माड़ी माड़ी ते जे कमजोर तम तकना इना ओडो बढ़िया आई दिजना और कल्चरल क्षेत्र रे इनी मैंने बांसुरी वादक तकना ढोलो सट जाते कि बढ़िया से सुसुन दुरंग पूरा एक्सपर्ट होते कि दो कल्चरल जागरूकता कल्चरल जागरूकता हजू जिन समय रे परिवर्तन रे आलोक रे इनका के समाज सेवी तकना आया विचार तकना चे अब रेंगे रामांग हड़ो के मान को आयर तक रखा का चिलका आयर तक रखा इन्हें काफ़ी प्रयास तकना और जगह जगह रे स्कूल खोला मनते जगह का मान को संपर्क किया थे इन्हीं मैंने आउ ले हड़कलो मिलाओ कहते लेकिन आया नियम उड़ू थे कि दुख थे कि अब झारखंड दिसम झारखंड दिसम चिलकते मजा लखन से लावा इन्हें मतलब अलग झारखंड मैंने नेरे सीधा तट के कॉन्सेप्ट देखना सीधा तट के सोच देखना सीधा तट के फलसफे देखना इनते बौद्धिक इनर्जी रेया शुरुआत आय द्वारा तक बजना ये झारखंड अलग प्रांत बनते और जैसे लगभग 93-92 आसपास रे झारखंड कोऑर्डिनेशन कमिटी माध्यम से रिपोर्ट कुल जना दे दिल्ली ते और इनारे सक्सेसफुल हो जना तो कजरिया मतलब तो नहीं है आया जो सोचते हैं सामाजिक क्षेत्र रे आर्थिक क्षेत्र रे सांस्कृतिक क्षेत्र रे एजुकेशन रे क्षेत्र रे या तो नेतृत्व रे क्षेत्र रे इना मैंने बोगी लेका आयत रखा का और अब दिसम रे नड़को भारत दिसम रे नड़को अब बोगी लेका बो दाइन का आयर तक रखा का निया आकिना स्वस्थ है क्या दो अब के अब सबन को के आया अनुसरण लगाती हैं आया फॉलो लगाती हैं ताकि निया जे आया जे कॉन्सेप्ट तक ना आया जे सोच तक ना आया जे फिलोसफी तक ना इना प्रकार ताइन का और अब आयर तक रखा का दो निम्नों के जगह के सबन को जवाब बारीपदा हाँ जोहार के का हाँ अभी ना पर्चे हुड़ी हम भी ना डॉक्टर रामदयाल मुंडा ओड़ा और चिंता नहीं की हाथों तो दी हुड़ी ना तो ने रांची रे के लिए टाइम किने हुड़ी ने मुसा मुसा ले यूज़ से ना पना किसी ने तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जन्मदिन मनपिंग में ते नितारे जमा करना वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा को सब इनको कोई ट्यून गया इमेन रे हो
समाज नतीन दिसुम नतीन राइज नतीन इसु पूरा कमी किदा इनका गे ना हरा रकाब तन धंगड़ा दंगड़ी को इनका गे कमी लगती है अबुया तयम गड़ी के नागा को आयर पे को रकाब तो का नगे उनुंगलिंग जगर जिदा अलिंग साथे सोबेन को और मिसे जो है सुनूंगा तो दरकार सभी को जोहार। मेरा नाम सोहन मुंडा हुआ, मैं अनगढ़ा प्रखंड चतरा पंचायत से पूर्व मुखिया हूँ। आज हम लोग मोराबादी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी आदिवासी समाज के लिए एक आदर्श रहे हैं और हमेशा से ही आदिवासी जीवन शैली को लेकर आगे बढ़े हैं और आदिवासी का पहचान को देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। उन्हें आज के इस शुभ दिन पर उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं। अन्या नुतुम रूप लक्ष्मी मुंडा है के आज भारत मुंडा समाज रे अलग दिन कमीटना अलिए भारत मुंडा समाज ऑर्गेनाइजेशन है के पूरा भारत रे परिचित परिपेक्ष रे इंद्रे आज उपाध्यक्ष रे दायित्व को उमक अन्या किसी वो दिशा के बेस राष्ट्र अजगर है के जी अबुआ डॉक्टर रामदयाल मुंडा का 84वीं जन्मतिथि मनाता नले आ रहे नले अले सुबह मेंडे अबुआ विधि विधानते बोगा को गुरु के दले कहनते हर साल आले ने कटले हिजुआ और अलिया रामदयाल मुंडा ले गुरु अलिया मार्गदर्शन और अलिया प्रेरणा स्त्रोत के और उनको के अले आया बोलते किताब पूरे हमारे लिए जगह रखुआ आए चिल्का होरत ऐसे न कना अबुआ संस्कृति अबुआ रीति रिवाज को चिल्कते अबू जोगावता अबू गिले कते मेन ले कते एना को शिक्षा को अले उनको के उमक होताना और अलिया डॉक्टर राम मुंडा का किमिन मरंग देने के ची आए गे स्टार्ट ला अलिया पूरे झारखंड रे रांची यूनिवर्सिटी रे मुंडारी क्लास शुरू लेना और ना पहले पीजी आनते स्टार्ट लेना ना पीजी के आते बीए रे इंटर रे नते हाई स्कूल रे नते ना प्राइमरी स्कूल रे हो चलाता ना इन लेकते मुंडा रे या मुंडारी भाषा रे या लगी वो दिशा गे डॉक्टर रामदयाल मुंडा पहल ला और उड़ो पहल जित गया और आया कदम ते आया सेंते हो रहते अले ले ते नीति गे निविन के तीसी गे क्या जीता निविन जगर के ते के मर का हेडम जो हाँ आ रहे अभी नामते हो भी जनो चिटिया राई हाँ। और नाम तुम तो बंगाबा हो जाना और पार्क का हूँ देखा ना बुआ कलकन पार्क का जाका मारा तो का गया हूँ ना गया
जिनका जितना भी गुणगान हम लोग करें कमी होगा, क्योंकि ये इतना शिक्षाविद थे कि इनका केवल बायोग्राफी अगर हमको लिखा जाए तो एक बुक छप जाएगा। इनका मेरे जीवन में इनका शुरुआत मेरे गांव से हुआ था, जब भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह जब हम लोग मना रहे थे तो ये उस समय ये बीसी थे रांची यूनिवर्सिटी के, और चीफ गेस्ट जब इनको बनाए थे तो बोले थे कि तुम लोग मुंडा लोग ऐसा जगह में ले आया इस गांव का क्या विकास होगा, लेकिन इनके बताए हुए रास्ते पर आज हम लोग चले हैं। यही सीखे हम लोग कि एक इतना पढ़ा लिखा इंसान अमेरिका जैसा मिनेसोटा यूनिवर्सिटी जैसा जगह में वेल सेटल्ड होने के बावजूद भी वो चाहते तो अपना जीवन अच्छा खासा जी सकते थे, लेकिन उनको ये झारखंड की खुशबू, ये भारत की मिट्टी उनको यहाँ भारत ले आया, और वो अमेरिका में इतना अच्छा अध्यापन जीवन जी रहे थे, काफ़ी अच्छा जीते, लेकिन यहाँ झारखंड आए और अपनी मिट्टी की खुशबू को पकड़ कर यहाँ का संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ का अखड़ा को बचाने के लिए आगे बढ़े, और इतना पढ़ने के बावजूद भी, इतना शिक्षाविद होने के बावजूद भी उन्होंने ढोल बजाया और लोगों को जागरूक किया और अपनी भाषा को बचाने में आगे बढ़े। और उनका एक नारा भी था कि सेनगे सुसुन काजे के दुरुंग, मतलब जो नाची से बाची, और आज हम लोग उसी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और आज अखड़ा को जीवित किए हैं, और अखड़ा के माध्यम से हम लोग भी नाचने सीख रहे हैं और गाने सीख रहे हैं और बजाने सीख रहे हैं। इसलिए रामदयाल मुंडा जी से यही हम लोग शिक्षा लेना चाहिए या सीखना चाहिए कि आदमी कितना ही ऊंचाई पर चल जाए, कितना ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ले, लेकिन जो अपनी मातृभूमि, अपनी जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी भाषा है, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो आज इनका 84वीं जयंती है, ऐसे तो चूँकि आज जयंती है, आज लोग आए, हम लोग भी आए, लेकिन इन्होंने जो जो चीज़ का शुरुआत की है उस पर हम लोग को सालों भर आगे बढ़ना चाहिए। और चूँकि बातें बहुत ज़्यादा है, पर इतना ही कहा कि मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। सबों को जोहार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के भाषा संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाले आदरणीय हमारे राजनीतिक संरक्षक, सामाजिक संरक्षक डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के प्रति नहीं, उनके जयंती पर सदासमन अर्पित करते हैं। ईश्वर ने ऐसे शख्स को हमारे बीच आज ही के दिन तैयार करके इस झारखंड की इस माटी में, जिनकी सोच यहाँ की माटी से ओत प्रोत यहाँ की भाषा संस्कृति को नेतृत्व देने की एक बेहतर क्षमता, और साथ ही साथ शैक्षणिक जगत के एक शिक्षाविद के रूप में जिन्होंने रांची यूनिवर्सिटी जैसी संस्था को स्थापित करने में अपना योगदान, साथ ही रीजनल भाषाओं को स्थापित करने में इनका अमूल्य योगदान रहा है और रहेगा। कर लीजिए।